आचार्य शंकर के गीता भाष्य के श्रृंखला का द्वितीय अध्याय का 14 नंबर श्लोक। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए शाश्वत सनातन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये श्रृंखला आगे बढ़ पाए और इसके बारे में बहुत सारे लोग जान पाए। मात्रा स्पर्शान्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्ताः स्तन्ति तिक्षः भारतः। हे कुंती पुत्र, शीत और उष्ण और सुख और दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग के पारम और अंत होता है, वह अनित्य है, इसलिए हे भारत, उनको तुम सहन करो। शंकराचार्य बोल रहे हैं, मात्रा अभिमियंते शब्दाय इति सूत्रादीनि इंद्रियाणि मात्राणं स्पर्शाय शब्दादीवि संयोगा ते शीतोष्ण सुख दुःखदा शीतम उष्ण सुख दुःखश्च प्रजच्छन्ति हि अथवा स्पृशंत इति स्पर्शा विषय शब्दाय मात्राश्च स्पर्शाश्च शीतस्न सुख दुःखदा शीतं कदाचित् सुखं कदाचित् दुःखं तथा उष्णपि अनीत स्वरूपं सुख दुःखे पुनः नियत रूपे जतो न व्यविचरित अतः तव्यां पृथक शीत उष्ण ग्रहणं जस्मात् ते मात्रा स्पर्शादय आगमापायिना आगमा पायशीला तस्मात् अनित्तः अतः तात् शीतोष्णो दीन तितिक्ष प्रसहस तेषु हर्षां विषादं वामाकर्ष इत्तत्थ शीतोष्ण दिन सहत किं सादित्ति सडरुं। अर्थात यद्यपि आत्मा नित्य है, ऐसे जानने वाले अज्ञानियों का आत्म विनाश निमित्त के मोह होना तो संभव नहीं है, तथापि शीत उष्ण और सुख और दुख प्राप्ति जनित लौकिक मोह तथा सुख वियोग जनित और दुख संयोग जनित शोक भी होता हुआ देखा जाता है। ऐसे अर्जुन के वचनों को आशंका करके भगवान कहते हैं, मात्रा अर्थात शब्दादि विषय को जिनसे जाना जाए ऐसे श्रोत्रादि इंद्रिया और इंद्रियों के स्पर्श अर्थात शब्दादि विषयों के साथ उनके संयोग वे सब शीत उष्ण और सुख दुख देने वाले हैं, अर्थात शीत उष्ण और सुख और दुख देते हैं, अथवा जिनका स्पर्श किया जाता है वे स्पर्श अर्थात शब्दादि विषय। इस उत्पत्ति के अनुसार यही अर्थ होता है, मात्रा और स्पर्श यानी श्रोत्रादि इंद्रिय और शब्दादि विषय शीत उष्ण और सुख दुख देने वाले हैं। शीत कभी सुख स्वरूप होता है, कभी दुख रूप। इसी तरह उष्ण भी अनिश्चित रूप है, परंतु सुख और दुख निश्चित रूप है, क्योंकि उनमें व्यविचार मतलब फेरफार नहीं होता, इसलिए सुख दुख से अलग शीत और उष्ण का ग्रहण किया जाता है, जिससे कि वे मात्रा स्पर्शादि इंद्रिया उनके विषय और उनके संयोग उत्पत्ति विनाशशील है, इससे अनित्य है, अतः उन शीतोष्ण को तू सहन कर अर्थात उनमें हर्ष और विषाद मत कर।